चमक ठुमक जब हिट छै तू पहाड़ी बाटों मा छमछमा पायल घुंघरू बजने जर। इस एनिमल किंगडम में आपका स्वागत है, जिसके जानवर काफी अतरंगी और मस्तीखोर हैं, जो अब इंसानों के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। तो इनसे आपको भी बच के रहना पड़ेगा, और इनसे बचने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा, कहीं आपका भी कोई गेम ना बजा दे। ये है एनिमल मोमेंट 164। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। लड़की ने रिजेक्ट होने पर सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी दुख होता है, जैसे कि यहाँ ये डियर इस फीमेल डियर के पीछे भाग रहा है क्योंकि भाई उसे पटाना चाहता है, लेकिन डियर है कि उसे भाव ही नहीं दे रही, जिसके बाद डियर भाई गम में चिल्ला के रोने लगा। साहिबा, हाँ? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नहीं। यहाँ ये केयरटेकर इस बेबी एलिफेंट को चिढ़ा रहा था। अभी बेबी एलिफेंट को गुस्सा आया, जिसने खुद की टट्टी उठाई और केयरटेकर के ऊपर फेंकने लगा, जो कह रहा होगा, ये ले खा खा और खा, इससे थोड़ी अकल आ जाएगी, चल भाग यहाँ से। ये क्या है? ये तो टट्टी है, ले खा खा, खा। निकल ले भाई तू, निकल, अरे निकल। उन लोग को नहीं मिलता है फिर उन लोग क्या करते, ऐसा गंदा करते, गंदा खराब हो जाएगा। मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। यहाँ ये दीदी चलते चलते आती है और वहाँ से लुढ़क जाती है, और ये सब इस डोगो ने देख लिए, जो बोल रहा होगा, इतनी रात को अंधेरे में बाहर क्यों निकलती हो गया कांड। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो? अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। यहाँ ये बंदर अपने बेबी को टॉवेल में लपेट कर हाथ में पकड़ा हुआ खड़ा है और अपनी बीवी को बुला रहा है कि छोटू ने पोटी कर दी, जल्दी आ जाओ और इसे लेके जाओ, मुझे काम पर भी जाना है। लेकिन जब वो नहीं आई, तब उसने गुस्से में अपने बेबी को जमीन पर पटक दिया और कहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। डैडी डैडी, तेरी चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी करके अब धो, जल्दी धो वरना सूख जाएगा। अबे तेरा छी है कि भैंस के गोबर का उपला जो सूख जाएगा। कैमल की सवारी करने में मजा तो आता है, पर कई लोग उस पे चढ़ने में ही फेल हो जाते हैं, और जो चढ़ जाते हैं उनके साथ क्या होता है, आप यहाँ देखिए। ये लड़की इस ऊंट पर तो चढ़ गई, पर शायद ऊंट भाई आज सवारी के मूड में नहीं थे, जिसने लड़की को नीचे ही गिरा दिया, जो कह रहा होगा, ऐसे कैसे चढ़ गई ऊपर बिना परमिशन के, हम फोटो भी नहीं खिंचाते, उतर नीचे। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे अभी क्या उड़ू जमेगा। अबे साली चल निकल। हाथी अभी सीधे साधी नहीं रहे, काफी मस्तीखोर हो गए हैं। यकीन नहीं होता तो एक बार उनके साथ फोटो खिंचवा के आइए, जैसे ये भाई के साथ हुआ। तो देखा आपने, लगता है हाथी भाई को बंदे की पैंट पसंद आ गई, जो सीधा निकालने गया। मस्त यार। इस मूस को ये बच्चा फोटो खिंचाने के लिए उठाता है और ये मूस भाई भी उठ के पहुंच देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही मूस भाई घूमा, बच्चा डर के मारे बेहोश हो गया। मूस भाई भी बोल रहा होगा, कितना ओवर एक्टिंग करता है ये, हैं? फोटो के लिए सिर्फ पहुंच ही तो दे रहा था, क्या फोटोग्राफर बनेगा हैं? क्या रे भीख मंगिया, क्या दिख रहा है? मुझे फोटोग्राफी का शौक है, मैं आपकी एक फोटो ले सकता हूँ क्या प्लीज? देवा, देवा, देवा। ये ले, फोटो खींचेगा ना, ले खींच 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 फोटो खींच। डरना नहीं, डरना नहीं। दोस्तों, आपने गोरिल्लास को तो जरूर ही देखा होगा, जो हर बार किसी ना किसी के साथ मस्ती करते रहते हैं, लेकिन इस वाली क्लिप में हमें जरा अलग नजारा देखने को मिला। यहाँ ये केयरटेकर शायद इस गोरिल्ला की पब्लिक के सामने बुराई कर रहा था, इसलिए उस गोरिल्ला को गुस्सा आया और उसने भाई को धोना शुरू कर दिया। लगता है गोरिल्ला को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आया है, जो आज इस भाई का थोबड़ा फोड़ कर ही मानेगा। दोस्तों, इसकी दाढ़ी नहीं आई। जोर जोर से बोल के लोगों को सता दे, वो जाहिल साले जानवर कुत्ते। गाइज, आपने बैंक रिकवरी एजेंट को तो जरूर देखा होगा, जो पैसा वसूल करने के लिए गुंडागर्दी करते हैं, जो काम अभी जानवर भी करने लगे हैं। यकीन नहीं होता ना, तो आप ये वीडियो देखिए। लगता है ये भाई ने इस महीने का गाड़ी का हफ्ता नहीं दिया होगा, इसीलिए ये जिराफ भाई रिकवरी एजेंट बनकर आया और भाई की गाड़ी लेकर चला गया। अरे मेरी नहीं है यार, ये भाड़े की है, अरे मेरा मालिक मुझे जान से मार देगा, मेरे कब्जे में रहेगी। चलो ये, 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 क्या कर रहे हो? बचा ले, बचा ले, ये, बचा ले।
यहाँ ये अर्माडिलो पत्तों को इकट्ठा कर रहा है जो शायद दिवाली की साफ सफाई कर रहा है, पर दिवाली पे कचरा घर से बाहर निकालते हैं और ये तो घर ही ले जा रहा है। पता नहीं ये जानवर ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों करते हैं। अरे तू सुनता नहीं है, है? इधर कचरा नहीं डालने का, कमाल है यार, तू कचरा नहीं डालने का इधर समझता नहीं है तू। दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन कहता है कि अदाएं सिर्फ लड़कियां दिखाती हैं? अब तो काउज भी पीछे नहीं, ये काउ कैटवॉक करते चली आ रही है जो शायद मिस यूनिवर्स की तैयारी कर रही है। अब तो सारे बुल इसी के आगे पीछे मंडराएंगे। लगता है इस बकरी ने संदीप महेश्वरी का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया जो इस बैल से भिड़ने आई है, और तो और बैल भी उससे डरने लगा। शायद इस बैल ने संदीप महेश्वरी का वीडियो नहीं देखा जिसके बाद वो दुम दबा कर भाग गया। बहुत गर्मी है तेरे में, गर्मी देखी कहा तूने? हाथ लगा कर देख। अबे तू हाथ लगा के दिखा, अबे हाथ लगा के तो दिखा तू, अबे तू हाथ लगा के दिखा। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। क्या आपने इससे पहले ऐसी वीडियोस देखी थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस भाई की स्कूटी खराब हो गई थी और ये बिल्ला खड़े होकर कह रहा है तू इस खटारे को बेच क्यों नहीं देता यार, हर बार बंद पड़ जाती है। अब एक काम कर, तू पाना निकाल, मैं भी ठीक कर देता हूँ इसको। ये गाड़ी को बेच कर थोड़े पैसे डालकर सेकंड हैंड रोलर स्केट ले लो, वो धूम में जो रीति रिवाज चलाए थे। कम से कम चलेंगे तो सही, खटारा गाड़ी लेके घूमता है साले घटिया आदमी, ऊपर से लोगों को बुरा बुला के परेशान करता है, भाग रहा है, मुझे नहीं जाना देता। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए लोड कर, जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे, जल्दी दे, जल्दी दे। इस जू में ये भाई जिराफ का कॉस्ट्यूम पहनकर आया, जिसे देखकर जू के अंदर खड़ा जिराफ भी सोच में पड़ गया। यार ये डब्लू को बाहर किसने जाने दिया, साले गद्दारी कर बे, मुझे भी तो ले जाता। अरे देवा बिरजू, गद्दारी कर बे, जरा इस उल्लू को देखिए, सॉरी मेरा मतलब है इस ईगल को देखिए जो कितना प्यारा लग रहा है, जो अपनी गर्दन को उल्टा कर रहा है, जो कह रहा है सिर्फ उल्लू ही नहीं मैं भी अपनी गर्दन 270 डिग्री घुमा सकता हूँ। हिप्पो से पंगा लेना सभी जानवरों के लिए भारी पड़ता है, यहाँ तक कि मगरमच्छ और शेर भी उनसे डरते हैं, पर हाइनास को ये बात समझ नहीं आती। जैसे ही हाइना इस अपने से बड़े हिप्पो के शिकार करने की फिराक में था, पर जैसे ही इस हिप्पो ने पीछे देखा, हाइना चुपचाप वहां से कल्टी लेने की कोशिश करने लगा, जो बोल रहा होगा अरे हिप्पो भाई मुझे लगा पत्थर है मैं चलता हूँ, पर हिप्पो ने उसे दौड़ के वहां से भगा दिया। सब मेरा है, सब मेरा है, मेरा तू जिंदा है, मैं तो प्याज लेने आया। हाइना का नसीब अच्छा था आज, वरना आज तो हिप्पो से वाटर किंगडम की सैर करवाता। जानवर कभी कभी होशियार जैसी हरकतें करते हैं, पर कभी कभार ऐसी हरकतें करते हैं कि इनके आगे गधा भी स्मार्ट दिखे। जैसे ये घोड़ा भाई जो इस वैन पे बनी घास की पेंटिंग खाने की कोशिश करता है, इसे देख के इस पे हंसी भी आती है और दया भी, बेचारे का पोपट हो रहा है। आप इसे कौन समझाए कि कितने भी कोशिश कर ले ये घास ना खत्म होगी और ना ये इसके मुंह में जाएगी। यहाँ ये ओपोसम जंगल से खाना खाने के लिए इस गार्डन में आता था, पर वहां खड़ा यह शख्स उसे खाने ही नहीं दे रहा जिसे वो भगाने की कोशिश कर रहा है। ओपोसम भी कह रहा होगा भाई बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा खाना दे देना, ये सब क्या तेरे अकेले के लिए नहीं है, मुझे भी खाना है यार। ये कुछ तो दे रहे, चल 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 निकल यहाँ से, तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा, चल जा रोक ले बेटा, जा जा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इनमें से किसका कांड सबसे ज्यादा फनी और हंसा देने वाला लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो बनाने में दोस्तों काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, धन्यवाद।